हे गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। तो भाई कैसे हो, सब क्या हाल चाल है? तो यार ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको एक जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, जब मैं इंडिया से यूरोप आया था एज ए स्टूडेंट। अभी थोड़े दिन पहले ही आया था, अगर आपको नहीं पता है तो। भाई मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम, वो कैसा रहा, मुझे क्या क्या चीज़ें नई देखने को मिली, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुझे कैसा लगा, फर्स्ट टाइम फ्लाइट का एक्सपीरियंस था जो वो कैसा था, और इसी के साथ में मुझसे क्या क्या क्वेश्चनिंग हुई एज ए स्टूडेंट, और क्या कुछ चीज़ें मेरे साथ वहाँ पर जो है हुई, तो सब कुछ आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करना, चैनल पे नहीं तो यार सब्सक्राइब भी करना। आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, और भाई मैक्सिमम जो व्लॉग है जो वो बैक कैमरा से शूट हुआ है, तो भाई आप मैनेज करना। आपको आगे जो व्लॉग मिलेंगे वो आपको परफेक्ट मिलेंगे, लेकिन इसको मैनेज करना। आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुई, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अभी स्टार्ट करते हैं इंडिया टू जर्मनी का व्लॉग। तो गाइस यार अपने व्लॉग के स्टार्टिंग में अगर बात करें सीन की, तो यहाँ पे आप ये जो स्टैचू देख रहे हो, जब आप अपनी इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक कंप्लीट कर लेते हो एयरपोर्ट के अंदर, जब एंट्री करते हो अपने गेट की तरफ, तो तब आपको ये स्टैचू दिखेगा। ये मेरा बोर्डिंग पास है, तो मेरा बोर्डिंग गेट भी यहीं था। तो यहाँ पर मैं अभी वेट कर रहा था अपनी जो फ्लाइट है उसका, तो मुझे यहाँ पर आधा घंटा अप्रोक्स वेट करना था। तो भाई अगर बात करें सबसे पहले इमिग्रेशन की और सिक्योरिटी चेक की, तो भाई 20 से 22 काउंटर है, आपको भी पता है आईजीआई एयरपोर्ट पे। तो भाई उसके अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मुझे कम से कम वहाँ पे 2 घंटे लगे सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन के अंदर। उसके बाद मेरी यहाँ पे बोर्डिंग हुई और मैं अपनी फ़्लाइट की तरफ चला। तो यहाँ पर अभी आप देखो, तो इसके अंदर मैंने जो देखा सीन भाई कुछ अलग ही था। तो फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस था मेरा एयरपोर्ट का, और इसी के साथ में जो मेरा फ़्लाइट का एक्सपीरियंस था, वो सब आपसे अभी शेयर करने वाला हूँ। तो जब मैंने भाई ये देखा कि ये जो आप प्लेन जो देख रहे हो बिल्कुल ज़्यादा ही बड़ा था भाई, जो जंबो प्लेन होते हैं जैसे छोटे, वो बिल्कुल छोटा ही होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुझे लगा जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा। तो इसकी जो कैपेसिटी थी वो भी मुझे अप्रोक्स जहाँ तक लगा 800 to 900 थी। तो अभी आप यहाँ पे देखो, थोड़ा सा कुछ ऐसा सीन था, मेरी जो एंट्री यहाँ पर हुई वो अप्रोक्स 3 बजे हुई थी सुबह सुबह, तो अंधेरा था इसीलिए आपको ऐसा ये सीन दिख रहा है। अभी यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जब मैंने फ़्लाइट के अंदर फर्स्ट टाइम एंट्री की तो मुझे कैसा लगा। तो भाई जब मैंने एंट्री की फ़्लाइट के अंदर, तो वहाँ पे 2 गेट मुझे दिखे। सबसे पहले मैं अभी स्टेयर्स पे चढ़ के आया हूँ, 2-3 स्टेयर थे, उसके बाद ये था, और एक नीचे की तरफ था, वहाँ पे भी एंट्री थी कुछ पैसेंजर्स की, तो वो शायद दूसरी क्लास थी, मेरी इकोनॉमी क्लास थी। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2 सीट किसी और की थी, मेरी इस साइड वाली सीट थी। और यहाँ पे डिस्प्ले की अगर बात करें, तो इस डिस्प्ले के अंदर देखो सारी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन सब कुछ आ रहा था, वो भी आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या कुछ आया था, आगे आपको मैं दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पे अगर बात करें इसके अंदर, आप देखो ये जो सबसे पहले आपको गाड़ी दिख रही है, ये सब ये लगेज है जो आपका, वो सब कुछ लगेज ऐसे लोड करते हैं जैसा कि आप देख रहे हो। तो इसके अंदर ये ऑटोमेटिक आप देख रहे हो अभी अंदर जा रहा है, तो इसके अंदर कुछ मोटर कुछ ऐसा सिस्टम होता है, तो ये आपका सारा जो लगेज है वो लोड कर देते हैं। जब आपकी कोई कनेक्टिंग फ्लाइट होती है तो आपका जो लगेज है वो पहले ही जमा हो जाता है, तो इसीलिए ये जो है लोड कर रहे थे ऐसे। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको सबसे पहले उस डिस्प्ले के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा क्या कुछ था। ये 32K जो आप देख रहे हो ये सीट नंबर है। अभी यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट हुई, सबसे पहले वो देखो, तो यार फाइनली ये सब अनाउंसमेंट होने के बाद फ्लाइट सीधे वो रनवे की तरफ चली, और इसके अंदर भाई 15-20 मिनट लगी, पता नहीं कितनी दूर था ऐसा, और रात का टाइम था, कुछ साफ दिख भी नहीं रहा था, तो भाई कुछ ज़्यादा ही दूर था शायद ये रनवे था जो, तो इसीलिए जो फ़्लाइट थी वो 15-20 मिनट ऐसे ही चली, और उसके बाद जो है इसका टेक ऑफ की तैयारी हुई। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कुछ ऐसा सीन था, बहुत सारे प्लेन यहाँ पर खड़े थे। तो अभी अप्रोक्स जो है 3:40 होने वाली थी, तो अभी यहाँ पर आप देखो ये कुछ बहुत टाइम के लिए ऐसे ही चली। तो तब तक मैं आपको थोड़ा सा फ़्लाइट का सीन दिखाता हूँ कि फ़्लाइट के अंदर क्या कुछ था। तो अभी जब ये फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी, तो उस टाइम पे जो लाइट्स थी वो भी मैक्सिमम ऑफ हो चुकी थी। देखो भाई कुछ ऐसा सीन था बाहर का, यहाँ पे आप देख रहे हो अभी भी जो फ्लाइट है धीरे धीरे चल रही है, भाई इसका रनवे था जो ट्रैक बिल्कुल ज़्यादा ही दूर था। तो फाइनली अभी टाइम आया टेक ऑफ का, तो अभी आप बाहर का सीन देखो, यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर भी आप देख रहे हो कि जो रास्ता है वो इसने स्टार्ट कर दिया शो करना, तो येलो कलर की जो लाइन है वो हमारा ट्रैक है, तो वो भी आपको बताऊँगा कि क्या कुछ ट्रैक था, कहाँ पर जा रहे थे, कैसे जा रहे थे। तो अभी फाइनली भाई यहाँ पर प्लेन आके एक बार रुका, और उसके बाद इसने जो है अपनी स्पीड को गेन करना फिर से स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे अभी आप देखो भाई, आपको अंधेरे के अंदर भी दिखेगा, इसने भाई जो स्पीड एकदम से पकड़ी ना भाई, बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा स्पीड में चलने लगा। अभी आप देखो, तो यार भाई आप देख रहे हो बाहर की तरफ, अभी आपको बिल्कुल स्पीड इसकी पता लगी ही गया होगा, बिल्कुल ये
बिल्कुल फास्ट स्पीड पे भाई ये चला था, उसके बाद इसने टेक ऑफ किया। तो आपको भी पता चलेगा इसके अंदर थोड़ा सा एक बार जो कैमरा है वो हिलने वाला है थोड़ा सा। तो मेरे साथ में जो बैठे थे दो, एक लेडी बैठी थी एक लड़का बैठा था, लड़का अपना मस्त था स्क्रीन के अंदर, पता नहीं क्या कर रहा था वो, लेकिन उसने लेडी ने अपनी आँख पहले ही बंद कर ली थी। तो अभी आप स्पीड देखो कितनी ज़्यादा इसकी हो चुकी है। तो इसके बाद अभी आप देखना जैसे ये भाई अपनी स्पीड को जो है गेन कर लेगा, जितनी स्पीड पे इसको टेक ऑफ करना है, उसके बाद एकदम से आपको कुछ भी नहीं दिखेगा बस। तो इसने बहुत ज़्यादा देर के लिए जो है अपनी स्पीड को गेन किया, और उसके बाद अभी आप देख रहे हो बस ये एक बार जो थोड़ा सा कैमरा यहाँ पे हिला, तो फाइनली हम अभी बादलों के अंदर पहुँच चुके थे बस एकदम से। तो अभी हमने जो है टेक ऑफ कर लिया था भाई बिल्कुल, मुझे जो है अच्छा लगा भाई। कई बार बोलते हैं कि इसके अंदर कई बार उल्टी गिर जाती है, ऐसा हो जाता है टेक ऑफ के टाइम पे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल अच्छा लगा। और सेकंड टाइम जब मैंने दूसरी फ्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट को लिया, तो उस टाइम पे तो भाई दिन था, उस टाइम पे तो मैंने सब कुछ रिकॉर्ड ही किया। तो अभी आप डिस्प्ले के अंदर देखो तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये, सबसे पहले आप देखो अभी बिल्कुल सारी जो लाइट्स थी वो बंद हो चुकी थी सब। तो मैंने 3:30 पे अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट की थी, और मैंने लैंड किया जर्मनी के अंदर 7:30 पे, और मेरा जो टोटल भाई टाइम था वो था 8 आवर्स का अप्रोक्स, मेरा जो जर्नी का टाइम था वो कुछ इतना था। तो अभी एक अनाउंसमेंट यहाँ पे हुई ऐसी, तो उसके बाद अभी यहाँ पे आप देखो डिस्प्ले के अंदर 7000 किलोमीटर अभी रिमेनिंग दिखा रहा है, और जो टाइम है वो इसने 8 घंटे दिखाया है। तो कुछ ऐसा इसके अंदर जो है डिस्प्ले के अंदर आपको डिटेल्स देखने को मिल जाती है, और आपको भी ये भी पता चलता है इसके अंदर की फ़्लाइट कहाँ से जा रही है और अभी हम कहाँ पर हैं। तो ये सब चीज़ें इसने दिखाई। उसके बाद आप देखो हम जो है फाइनली फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे पहुंचने ही वाले हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो भाई। इसके बीच में एक बार तो इन्होंने पानी वगैरह सब कुछ दिया, और ब्रेकफास्ट भी आया था उसके अंदर, ब्रेड और थोड़ी बहुत रोटी सब्जी कुछ आया था, अलग सी चीज़ें फ्रूट्स भी आए थे। तो अभी आप देख रहे हो बाहर आपको थोड़ा सा जो है सनराइज़ होता दिख रहा है। तो ये सब कुछ जर्मनी के पास हम पहुँचने वाले थे, तो उस टाइम का सीन था। अभी आप यहाँ पर देखो अभी जो हमारी जर्नी है 762 किलोमीटर रिमेनिंग, आप यहाँ पर देख सकते हो 1 घंटे का टाइम लगने वाला था। तो उसके बीच में मैंने रेस्ट भी किया थोड़ा सा 3-4 घंटे, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं सोया। तो अभी फाइनली आप देख रहे हो 29 किलोमीटर इसके अंदर इसने शो किया कि 29 किलोमीटर रह चुके हैं, हम पहुंचने ही वाले थे बस। तो अभी आपको यहाँ पे बाहर भी दिखेगा थोड़ा सा, अभी तक हम बादलों के अंदर ही थे, हमारी जो लैंडिंग है वो होने वाली थी। तो लैंडिंग के टाइम पर भी आपको जो है एक्सपीरियंस अच्छा ही मिलेगा, अगर आप भाई थोड़े से क्रेजी टाइप के अगर आप पर्सन हो तो आपको बिल्कुल कुछ भी पता नहीं चलेगा, बिल्कुल आपको मज़ा आने वाला है जब इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ होगा। तो उसके अंदर कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई इसके अंदर कुछ दिक्कत आ गई या ऐसा कुछ हुआ। तो अभी यहाँ पे फाइनली बात करें, जब मैंने अपनी जो लैंडिंग थी वो कर ली थी जर्मनी के अंदर, तो ये एयरपोर्ट मुझे सबसे पहले कुछ ऐसा दिखा, आप देखो। तो अभी भाई यहाँ पे जो देख रहे हो, सबसे पहले मैं अभी ऐसे ही चल रहा था पैदल, मैं तो बेल्ट पे नहीं चल रहा था मैं, तो मैंने सोचा कि पैदल ही चलते हैं, क्या करना है बेल्ट पे जाके, ये और भी धीरे चल रही थी, तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग की। और अभी बाहर का सीन आप थोड़ा सा और इन्जॉय करो। तो यार जो एयरपोर्ट था ना भाई जर्मनी का, ये यार मुझे बिल्कुल ज़्यादा ही बड़ा लगा। अभी यहाँ पे अगर बात करें इस एयरपोर्ट के बारे में, तो यहाँ पे मुझे इतने ज़्यादा प्लेन दिखे भाई, आप सोच भी नहीं सकते। इस एयरपोर्ट पे अगर आप आए हो तो आपको भी पता होगा भाई, ये इतना ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है और इसके अंदर इतने सारे प्लेन्स हैं। वैसे जर्मनी के अंदर अप्रोक्स 306 एयरपोर्ट है, अगर आपको नहीं पता है तो। मुझे यहाँ पर देखो आप, अभी एक एयरपोर्ट ये इतना बड़ा लग रहा है, तो आप सोचो कि जर्मनी के अंदर इतने सारे एयरपोर्ट है तो उसके अंदर आपको क्या क्या दिखेगा। तो सबसे बड़ा ये जो है मेन फ्रैंकफर्ट का मेन एयरपोर्ट है, सबसे बड़ा यही है मुझे जहाँ तक पता है। तो अभी फाइनली मैंने यहाँ पे अपना जो गेट था, बोर्डिंग गेट था, वो सब देखा। तो इसको देखने के लिए यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले भी मिलती है, वो डिस्प्ले भी आपको मैं दिखाता हूँ। उस डिस्प्ले के अंदर आप अपनी फ्लाइट की जो डिटेल्स है वो सब देख सकते हो। उसके बाद आपको जो है जिस भी जगह जाना है वहाँ पर आप जाओ, जिस साइड आपको जाना है। तो अभी मैं जा रहा था यहाँ पे डोमेस्टिक टर्मिनल की तरफ, मेरी जो फ्लाइट थी कनेक्टिंग फ्लाइट वो डोमेस्टिक थी आगे जर्मनी से आगे। तो मैंने जो है सबसे पहले ये मेट्रो ली, एयरपोर्ट के अंदर ही आपको ये मिलती है। तो इसने मुझे जो है, आप अभी सोच सकते हो कि कितना बड़ा एयरपोर्ट है, तो इसने जो है मुझे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो है, आप यहाँ पर देख रहे हो ऐसा कुछ सीन था, तो इसने मुझे डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर उतार दिया। इसके अंदर भी थोड़ा सा टाइम लगा था, 2-4 मिनट ही 5 मिनट लगी थी बस। तो दूसरे कॉर्नर पे अभी मैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे आ चुका था। उसके बाद मेरी भाई सब जो सिक्योरिटी चेक होना था, और इमिग्रेशन भी हुई जर्मनी के अंदर। तो इमिग्रेशन की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या हुआ अभी आपको बताता हूँ थोड़ा सा। भाई हम लाइन में लगे, उन्होंने सबसे पहले तो सुबह सुबह का टाइम था, सिर्फ एक ही काउंटर खोला था उन्होंने भाई। इतने सारे काउंटर थे वहाँ पे, 5-6 काउंटर थे एक साइड में डोमेस्टिक के, लेकिन एक ही काउंटर खुला था भाई, और उस एक काउंटर पर भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन जब हमारा नंबर आने वाला था, तो एक आप बोल सकते हो सर्विस मैन बोल सकते हो या फिर जो ऑफिसर था, वो आता है, वो बोला कि नीचे जो है काउंटर खुल चुके हैं इमिग्रेशन के, आप नीचे जाओ।
हम भाई हमारा नंबर वैसे भी आने वाला था, लेकिन हम फिर भी नीचे गए, और नीचे जाते हैं तो नीचे वाले बोलते हैं कि भाई ये बंद है, यहाँ से ऊपर जाओ वापस। तो भाई लाइन में नंबर आने वाला था, नीचे गए, नीचे से फिर दोबारा वापस आए, फिर से लाइन के अंदर लगना पड़ा। तो मेरे यहाँ पे जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी वो 3 घंटे बाद थी, लेकिन मेरा जो 2 घंटे के अप्रोक्स टाइम तो मेरा ऐसे ही लग गया इमिग्रेशन के अंदर सिक्योरिटी चेक के अंदर ही। तो मैंने सोचा था भाई कि कैसे ये जो टाइम है ये कटेगा, लेकिन भाई 2 घंटे तो ऐसे ही निकल गए, पता भी नहीं चला। तो भी फाइनली मैं यहाँ पे वेटिंग एरिया के अंदर था, मेरी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी यहाँ पे आने वाली थी, मैं अपने बोर्डिंग गेट पे वेट कर रहा था। तो अभी यहाँ पे आप देखो ये कुछ ऐसा था। तो मेरी जो फ़्लाइट थी लुफ्थांसा एयरलाइन थी, मेरी दोनों जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और जो मेन फ़्लाइट थी मेरी, वो सारी जो दोनों थी लुफ्थांसा ही थी। तो अभी मेरी फ़्लाइट के लिए देखो आप, जब मैंने एंट्री की बोर्डिंग गेट पे, तो उसके बाद वो हमें जो है बस के अंदर लेके गई भाई। तो भाई बस के थ्रू हम अपनी जो फ़्लाइट थी उस तक पहुंचे। तो भाई मेरी जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी कनेक्टिंग डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, जो वो जंबो जेट आप उसको बोल सकते हो, मिनी प्लेन था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था वो भाई, उसके अंदर ज़्यादा मज़ा नहीं आया, वो थोड़ा सा ऐसे ही हिलता हिलता सा चल रहा था। तो अभी फाइनली मैं इस बस के थ्रू जा रहा था अपनी फ़्लाइट की तरफ। तो अभी आप यहाँ से जो है जर्मनी का एयरपोर्ट देखो कितना बड़ा है, आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट ये है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो एक बार तो आपको भी बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो अभी तो हम पहुँचे भी नहीं थे, बिल्कुल ज़्यादा ही बड़ा था। आप अभी देखो थोड़ा सा इन्जॉय करो, और यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दो भाई, मैंने अभी तक एक बार भी नहीं बोला, तो मुझे भी अभी याद आया यार, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना, लाइक कर देना। आगे का आपको अगर व्लॉग चाहिए इसके बाद मैं कहाँ कहाँ गया, क्या कुछ चल रहा है अभी तक, तो उसके लिए भी आप कमेंट जरूर से जरूर करना, आपको आगे भी मैं व्लॉग दिखाने वाला हूँ सेकंड भी। तो अभी आप एयरपोर्ट देखो सबसे पहले। तो फाइनली भाई अभी हम हमारी फ़्लाइट की तरफ पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो लुफ्थांसा एयरलाइन, तो इसके अंदर तो ये कुछ स्टेयर्स ऐसे ही लगाई है। तो अभी इन्होंने जो है सबसे पहले सिग्नल दिया कि अभी गेट मत खोलना, तो अभी जो है ये कुछ तैयारी कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। और भाई इसके अंदर जब मैं बैठा तो इसके अंदर भी एक सीन हुआ, वो भी आपको बताता हूँ क्या कुछ हुआ था। अभी तो हम वेट ही कर रहे थे भाई कि कब ये गेट खुलेगा। तो यहाँ पर भाई हर 1-2 मिनट के अंदर एक प्लेन लैंड कर रहा था, एक टेक ऑफ कर रहा था। तो भाई यहाँ पे आप देखो कितना बड़ा प्लेन है ये, तो भाई दिखने में भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे कुछ तो, और कुछ थोड़े से पुराने भी थे लेकिन बिल्कुल अच्छे लग रहे थे सारे। तो अभी फाइनली हमने जो है अपनी बोर्डिंग सब कंप्लीट हो चुका था, तो अभी हमने एंट्री की फ़्लाइट के अंदर। तो उसके बाद आप देखो थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ सीन एक और। तो ये थी मेरी कुछ ऐसी फ़्लाइट जहाँ पर आप देख रहे हो मैं ये अपना बोर्डिंग पास लेके और ये जा रहा था, और देखो ये कैसा ऐसा सीन था।